हाई डियर चिल्ड्रन इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन चैप्टर नाइन हमारा विद्यालय नाउ इन दिस वीडियो वील स्टार्ट विद द ग्रामर पोशन फर्स्ट वील स्टार्ट विद द एप्लीकेशन आपने कॉपी में ऐसे लिखना है यहाँ पर व्याकरण लिखिए भाई के विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश पत्र सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी क्राइस्ट द किंग कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट ठीक है विषय में लिखे विवाह में शामिल होने हेतु अवकाश पत्र महोदया निवेदन ये है कि मेरे बड़े भाई का विवाह है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती और या सकता जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगी सकती और जो बॉयज़ हैं वो लिखेंगे सकता ठीक है आगे कृपया मुझे दिन का अवकाश देने का कष्ट करेंगे धन्यवाद आपका शिष्य बॉयज लिखेंगे और गर्ल्स आपकी शिष्या नाम अपना लिखेंगे यहां पर कक्षा पांचवी और इन्वर्टर कॉमास में सेक्शन लिखेंगे ए के लिए अ ब स ठीक है दिनांक ट्वेंटी थ्री टेन ट्वेंटी या जिस दिन आपने ये एग्जाम में लिखना है आप वो वाली डेट भी डाल सकते ठीक है इसके बाद ये एप्लीकेशन हो गई आपकी उसके बाद नेक्स्ट ये देखिए एप्लीकेशन ये भी देखिए इसको जैसे आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा आपने अपनी कॉपीज में लिख लेना है उसके बाद आप आइए कहानी में ठीक है कहानी मैं आपको पहले इसकी कहानी आपको सुना देती हूँ फिर हमने इसकी भावार्थ और शिक्षा करेंगे ये देखिए आप अपनी ग्रामर बुक का पेज 114 खोलिए ओपन पेज 114 इसमें यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए आपने ढूंढ के एक कहानी पढ़ते जाना और साथ साथ में उनको फिल करते जाना है ठीक है दो मित्र थे एक बार वे एक जंगल से जा रहे थे जंगल बहुत घना था मतलब घना कि बहुत सारे उसमें भरा हुआ था पेड़ों से घना बेलों से पेड़ों से उसमें बहुत सारे जंगली जानवर थे अचानक सामने से उनको एक रीछ अपनी ओर आता दिखाई दिया उसे देखकर एक मित्र जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया दूसरा मित्र अकेला ही रह गया उसने एक उपाय सोचा वह जमीन पर लेट गया और उसने अपनी आँखें बंद कर ली अपनी सांस उसने इस प्रकार रोक ली कि मानो वह मर चुका हो कुछ ही देर में रीश उसके पास पहुँचा उसे सूंघा और आगे बढ़ गया जब रीश वहां से चला गया तो पहला मित्र पेड़ से उतर गया और दूसरे मित्र से पूछा कि रीश ने तुम्हें कान में क्या कहा था दोस्त ने कहा अब उस मित्र को अपने मित्र का पता लग गया था कि उसका मित्र नहीं है वो कैसा मित्र हुआ जो मुसीबत आने में आपके काम ही नहीं आएगा तो उसको समझ में आ गया था रीश ने तो कुछ नहीं कहा था रीश ने तो उसको सिर्फ देखा था कि मरा हुआ है तो वो आगे चला गया लेकिन उसने बात कहानी कैसे उसने बात बनाई उसने अपने, अपने मित्र को बताने के लिए कि तुम कैसे हो उसने कहा रीछ ने बहुत पते की बात मुझे मुझसे कही है पते की मतलब बहुत एक अच्छी बात मुझसे कही है उसने कहा है कि ऐसे व्यक्ति से ऐसे आदमी से ऐसे व्यक्ति से मित्रता मत करो दोस्ती बिल्कुल मत करो जो ज़रूरत आने पे आपको जब ज़रूरत है आपको जब मतलब किसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पढ़ने पर तुम्हारे काम ना आए ऐसे मित्र से दोस्ती मत करो ठीक है समझ में आई आपको कहानी आप ये सारा बीच में भर लेना और बाद में ये कहानी को अच्छे से रीड करना और एक दूसरे को सुनाना ठीक है उसके बाद इसकी आपने शिक्षा और भावार्थ कैसे लिखेंगे ये देखिए कहानी दो मित्र और आप डेट वही डाली डेट मैंने इसलिए नहीं डाली कि आप वो वाली डेट डालेंगे जो हमने आपने जिस डेट में काम करेंगे शिक्षा लिखिए पहले इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है हमें मतलबी मित्रों से मतलबी जो मीन है जो सेल्फिश हैं उन लोगों से उन मित्रों से दूर रहना चाहिए और भावार्थ इसका क्या भावार्थ है इसमें से क्या हमें भावार्थ है सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे ठीक है सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में हमारा साथ देता है तो हमें उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो हमारे मुसीबत में हमारे आने पर हमारा साथ देते हैं ठीक है तो ये आपकी एप्लीकेशन और कहानी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है आपने सेशन खत्म होने के बाद इसको अच्छे से लिख लेना और इसको अच्छे से याद करना है ये आपका यूटी का सिलेबस है ठीक है टिल देन स्टे सेफ स्टे एट